1795 हिंदुस्तान। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब हुकूमत कर रही है। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पब्लिक रिव्यू। इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और आज ये मूवी रिलीज हो गई है। इस मूवी में आपको बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस मिलेंगे जिनको देखने के लिए आप हमेशा इंतजार करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख। ये एक मूवी जो है ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है और इस फिल्म का जो ट्रेलर था वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था, जिसको देखकर लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि लोगों का इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था इस मूवी को देखने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि सारे जो स्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट फुल हैं, कहीं पे कोई टिकट नहीं मिल रही है लोगों को मूवी देखने के लिए। और आज के नहीं, कल से परसों के भी जो स्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये मूवी एक्चुअल है क्या, मूवी की कहानी क्या है, जो अमिताभ बच्चन और आमिर खान है या फिर कैटरीना और फातिमा है, इनका क्या रोल है और इस ये मूवी लोगों को कितनी पसंद आई है। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं कि लोगों को मूवी कैसी लगी। ढाई दिन की दोपहरी चांद रात अमावस की, शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की। मैम मूवी कैसी लगी? So it was a wonderful movie. Aamir Khan actually rocked, okay. And way to go. I suppose it'll earn. Sure. Ma'am, kahani vagera, songs vagera, dialogues agar baat kare to. Katrina was awesome. Okay. Like she rocked the show actually. Okay. And overall, it was an entertaining movie. सबसे अच्छा role किसका था, ma'am? Of course, Aamir Khan and Amitabh. Okay. No doubt. Ma'am, कितनी rating देगी? Out of like 5, so I'll rate it 4. थैंक यू। अब मूवी कैसी लगी आप? अमेजिंग। और जैसे अमिताभ बच्चन आमिर खान साथ में नजर आए बहुत टाइम बाद, मतलब फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसा? इट वाज नाइस, इट वाज यूनिक एक्चुअली, सो या। और कैटरीना कैफ? एज यूजुअल। अमेजिंग। यप। और मैम सॉन्ग्स वगैरह डायलॉग्स वगैरह की बात? इट वाज आल्सो यूनिक, मींस मेनी ऑफ द थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड इन द फिल्म, सो इट वाज नाइस। अच्छा रोल की बात करें तो वो किसका था? फातिमा। ओके, फातिमा। या अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 में से आई विल गिव 4। ओके, थैंक यू। आजादी है गुनाह। आंसर मूवी कैसी थी? इट वाज रियली नाइस एंड अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान टुगेदर वर रियली गुड। और कैटरीना जैसे फातिमा भी इस मूवी में है, तो उनका काम कैसा लगा? They were also good. I liked it. और सर डायलॉग्स, सॉन्ग्स? सॉन्ग्स वर नॉट लाइक लिटरली वेरी गुड, बट डायलॉग्स वर ओके, राइट। और कहाँ? ओवरऑल इट वाज अ नाइस मूवी। कितनी रेटिंग देंगे सर? आई विल गिव 3। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अ मूवी कैसी थी? ऑसम। आमिर और जैसे अमिताभ बच्चन साथ में थे तो कैसा लगा काम? ऑसम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डायलॉग भी बहुत अच्छी थी। कितनी रेटिंग देंगे? 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मूवी कैसी थी? अच्छी थी। और अमिताभ बच्चन का रोल कैसा लगा? बहुत ही अच्छी लगी, फैंटास्टिक। कितनी रेटिंग देंगे सर? बहुत, 10 में से 10। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मूवी वाज फन, आमिर खान इज गुड, इट्स अ वन टाइम वॉच। अमिताभ बच्चन? ही इज एज ऑलवेज वेरी नाइस। कहानी कैसी थी? कहानी इज नाइस विथ नंबर ऑफ प्लॉट्स, ट्विस्ट्स आर देयर एंड देन द शो स्टारर इज आमिर खान। आई रेट इट 3.5। थैंक यू। बहुत एक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बास्टर्ड। हाँ माय साहब, आपसे मीटिंग बहुत मजा आया। अब हम 1-2-3 किक मार। आजाद नाम सुना है? अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम है फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। भंटू डाइसेट ब्लडी हेल नॉनसेंस किक मच भंडरबुल थ्रीपुर पुडिंग गुडिंग गुड नाइट। एक्सक्यूज मी मैम, मूवी कैसी थी? बहुत अच्छी। और मैम अमिताभ बच्चन इतने टाइम बाद आपको एक्शन रोल में दिखे हैं, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितनी रेटिंग देंगे सर? जी मैडम, 5 में 5। थैंक यू सर, मूवी कैसी? बहुत अच्छी। और
अमिताभ बच्चन आमिर खान साथ में नजर आए बहुत टाइम बाद, मतलब फर्स्ट टाइम, तो कैसा लगा काम? बहुत अच्छा था। और सॉन्ग्स वगैरह कैसे लगे? सॉन्ग्स ठीक ठीक थे, लास्ट वाला अच्छा था, खुदा बख्श। और फातिमा और कैटरीना कैफ साथ में थे इस मूवी में, तो उनका काम कैसा लगा? अच्छा था। कितनी रेटिंग देंगे सर? 5 out of 5। थैंक यू सर। कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी। और कहानी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। रेटिंग कितनी देंगे सर? 50। थैंक यू। दिल थामिएगा हुजूर, कभी कभी हमारी अदा देख के लोग अपनी जान खो बैठते हैं। मूवी अच्छी थी, मतलब कि जैसे आमिर खान से एक्सपेक्ट किया जाता है उस लेवल पे नहीं थी। 5 में से 3 स्टार। अमिताभ बच्चन का काम कैसा? अमिताभ जी का काम सबसे बढ़िया, आमिर से भी बढ़िया। गाने कैसे लगे? गाने सही थे, अच्छे थे। कितनी रेटिंग देंगे सर? 3 स्टार। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आप? अच्छी। अच्छा, सबसे अच्छा रोल किसका लगा आपको? आमिर खान का। आमिर खान का। अमिताभ बच्चन का काम कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। गाने कैसे थे मूवी के? अच्छे। अच्छे थे। डायलॉग्स कैसे थे? अच्छे। अच्छे थे। कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 40। 10 में से 40। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी थी। चलो थैंक यू। अब हमें आजाद के साथ रहना है, आजाद बनना है। दाम कुछ ज्यादा नहीं है। आजादी बेच रहे हैं हुजूर, 2-4 हजार का मुंह मत देखिए। सर कैसी लगी? बढ़िया है, गुड एंटरटेनिंग है। अच्छा, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे साथ में नजर आए, बहुत बढ़िया। आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी और आमिर खान की बहुत अच्छी एक्टिंग है, साथ में अमिताभ जी की तो है ही है, बहुत ही अच्छी, एक्सीलेंट है। सॉन्ग्स वगैरह कैसे थे? सॉन्ग्स तो बढ़िया थे। कहानी कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, एंटरटेनिंग है, टोटली एंटरटेन है। दोबारा देखना चाहेंगे आप इस मूवी को? नहीं, दोबारा तो नहीं देखना चाहेंगे, पर फर्स्ट टाइम एंटरटेनिंग है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। 8 out of 10। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पब्लिक रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आपको नजर आ रही है, बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने आए हुए हैं। और जैसे हमने लोगों से बात की इस मूवी के बारे में, तो लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, चाहे मूवी की कहानी की बात करें या फिर मूवी के सॉन्ग्स की बात करें या फिर डायलॉग्स की। लोगों को हर एक पहलू मूवी का बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अमिताभ के बारे में बात करें, अमिताभ और आमिर का जो साथ में फर्स्ट टाइम बड़े पर्दे पर आना उन दोनों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद आई है। और अगर हम बात करें कैटरीना और फातिमा के बारे में, तो लोगों को कैटरीना का काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इस मूवी में, लेकिन उसके मुकाबले फातिमा का जो काम है, उनका जो रोल है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप देख सकते हैं कि लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और लोगों का इस मूवी के बारे में क्या कहना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस मूवी के कुछ पब्लिक रिव्यू। जैसे कि आपने देखा कि लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, चाहे अमिताभ का काम हो, चाहे फिर आमिर खान का हो, चाहे फातिमा का हो, लेकिन कैटरीना के रोल को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया है। पर कहीं ना कहीं लोगों को इस मूवी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, सॉन्ग्स वगैरह, डायलॉग्स वगैरह, अगर मैं सारी चीज़ों की बात करूँ तो बहुत अच्छा पैकेज है ये लोगों के लिए, और लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस मूवी को देखकर और अपना वीकेंड इन्जॉय कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मूवी है वो बहुत बड़े बजट की है, तो देखते हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है। तो जल्द ही हम लौटेंगे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।